उदाहरण 15 दर्शाइए कि रेखाएं, दो रेखाओं के हमें समीकरण मिले हैं कार्तीय रूप में, एक्स माइनस एक बटा तीन बराबर वाई प्लस एक बटा दो बराबर जेड माइनस एक बटा पांच, मानक रूप में समीकरण मिला है। और दूसरी रेखा का समीकरण है एक्स माइनस दो बटे चार बराबर वाई माइनस एक बटा तीन बराबर जेड प्लस एक बटा माइनस दो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हम पहली रेखा के समीकरण को लैम्डा के बराबर मान लें, एक्स माइनस एक बटा तीन बराबर वाई प्लस एक बटा दो बराबर जेड माइनस एक बटा पांच बराबर लैम्डा हमने मान लिया, जैसा हमने पिछले प्रश्नों में किया है। और एक्स माइनस दो बटा चार बराबर वाई माइनस एक बटा तीन बराबर जेड प्लस एक बटा माइनस दो, इसको म्यू के बराबर मान लिया। अब हम दोनों रेखाओं पर किसी बिंदु के आर्बिट्ररी पॉइंट के निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे। तो यहां किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक प्लस तीन लैम्डा, माइनस एक प्लस दो लैम्डा, एक प्लस पांच लैम्डा। कैसे निकाला, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तीन इससे मल्टीप्लाई हुआ तीन लैम्डा, एक का पक्षांतरण हो गया तो एक प्लस तीन लैम्डा। यहां वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक प्लस दो लैम्डा। जेड बराबर क्या हो जाएगा, पांच लैम्डा, तो ये हो गया एक का पक्षांतरण हो गया तो एक प्लस पांच लैम्डा। किसी बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो कैसे निकालेंगे, ये हो गए दो प्लस चार म्यू, एक प्लस तीन म्यू, माइनस एक माइनस दो म्यू। अब यहां हमें, क्योंकि दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके उन पे एक उभयनिष्ठ बिंदु अवश्य होगा, तो हमें अब x का जो मान है, x निर्देशांक है, उनको बराबर करना है, y के निर्देशांकों को बराबर करना है और z के निर्देशांकों को बराबर करना है। तीन समीकरण मिलेंगे, दो समीकरणों से हम लैम्डा और म्यू का मान निकाल लेंगे, तीसरा समीकरण इस स्थिति में संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो यहां तीसरा समीकरण संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब हम समीकरण बनाते हैं, तो x के निर्देशांकों को बराबर किया, एक प्लस तीन लैम्डा बराबर दो प्लस चार म्यू, हमें क्या मिलता है, तीन लैम्डा माइनस चार म्यू बराबर एक, पहला समीकरण हो गया। y निर्देशांकों को बराबर करें, माइनस एक प्लस दो लैम्डा बराबर एक प्लस तीन म्यू, हमें क्या देता है, हमें देता है दो लैम्डा माइनस तीन म्यू बराबर दो, दूसरा समीकरण मिल गया। तीसरा समीकरण देखें, z निर्देशांकों को बराबर कर रहे हैं, एक प्लस पांच लैम्डा बराबर माइनस एक माइनस दो म्यू, पांच लैम्डा माइनस, यहां दूसरे पक्ष में आएगा प्लस का दो म्यू बराबर माइनस टू, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। पहले दो समीकरणों को हल करते हैं और लैम्डा और म्यू के मान निकालते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस समीकरण को तो दो से गुणा कर देता हूं और इस समीकरण को तीन से गुणा कर देता हूं। दो से गुणा करने से मेरे को क्या मिलेगा, यहां कर लेते हैं, ये हो गया छह लैम्डा माइनस आठ म्यू बराबर दो, छह लैम्डा माइनस आठ म्यू बराबर दो, यहां तीन से गुणा किया तो तीन दूनी छह लैम्डा माइनस नौ म्यू बराबर छह, घटाया तो मिलता है हमें म्यू बराबर हो गया माइनस का चार। म्यू बराबर माइनस चार किसी भी समीकरण में रख दें, मैंने पहले में रख दिया, तो तीन लैम्डा माइनस चार इंटू माइनस चार बराबर एक, जो हमें देता है तीन लैम्डा प्लस सोलह बराबर एक, तो लैम्डा बराबर हो गया माइनस पंद्रह बटे तीन अर्थात माइनस का पांच। लैम्डा बराबर तो हमें मिला, लैम्डा बराबर तो मिला माइनस पांच
और म्यू बराबर मिला माइनस चार, ये मान हमने प्राप्त किए। अब तीसरे समीकरण में इस मान को रखें तो क्या मिलता है, पांच इंटू माइनस पांच, लेफ्ट हैंड साइड में पांच इंटू माइनस पांच प्लस दो इंटू माइनस चार बराबर माइनस दो आना चाहिए, ये हो गया माइनस पच्चीस माइनस आठ बराबर माइनस का दो, जो हमें देता है माइनस का तैतीस बराबर माइनस दो, जो कि असत्य है, क्योंकि असत्य है अर्थात तीसरा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो चूंकि लैम्डा और म्यू के मान समीकरण तीन को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए दी गई रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए दी गई रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और यही हमें यहां दर्शाना है इति सिद्धांत।